गाइस हमारे देश में धर्म संकट आ गया है। आप लोग पूछें कि भाई धर्म संकट कैसे आ गया, तो गाइस मैं आपको आज की घटना बताता हूँ। भाई मुझसे पड़ोस वाली भाभी नींबू मांगने आई और गाइस जो नींबू था उसको मम्मी गिन कर गई थी, चार ही नींबू थे। अब बताइए मैं क्या करूँ, उनको कैसे मना करूँ मैं नींबू के लिए, ये धर्म संकट नहीं तो और क्या है। तो गाइस आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सपेरिमेंट इंसान में बहुत बहुत स्वागत है। अगर भाई आप लोग अपने भाई की इस फैमिली में पहली बार है तो प्लीज यार अभी तक क्या करें भाई, आप लोग को देखिए नीचे एक लाल सी बटन दिखाई दे रही होगी। तो गाइस आपको क्या करना है कि आपको उस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ गाइस साथ में ही आप लोग को बेल आइकन भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो गाइस आप लोग वीडियो का शुरुआत टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। गाइस आप लोगों ने बहुत सारे बिल्डिंगों को बनते भी देखा होगा, तो गाइस जब बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो उनकी शुरुआत एक बेस से होती है, ये नहीं गाइस एकदम अचानक से उतना बड़ी बन जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि आखिरकार उस बिल्डिंग को गिराया कैसे जाता है? तो गाइस आप में से कुछ लोग बोले कि उन्हें गिराया क्यों जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि उनको गिराया इसलिए जाता है कि क्योंकि वो अवैध रूप से बनी होती है या फिर वो सरकारी जमीन बन जाती है या फिर भाई उसका जो मालिक होता है अवैध रूप से किसी की जमीन पर कब्जा करके बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। तो गाइस अगर उसका फैसला कोर्ट में जाएगा तो गाइस कोर्ट उसको गिराने का आदेश देता है, इसी कारण से गाइस उन बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को गिरा दिया जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गाइस उन बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को किस प्रकार से गिराया जाता है। तो गाइस देखने के लिए आप लोग बनेंगे वीडियो को लास्ट तक। चलिए भाई हम लोग बिना देरी करते हुए अपने आज की इस बेहतरीन सी वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास नींबू है ना तो उसको बचा कर रखिएगा, उसको बर्बाद मत करिएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा छोटा सा वीडियो? अगर भाई आपको आज की वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना, यूट्यूब वाला भी सोचने लगे कि यार कितना शेयर कर दिया गया इस वीडियो को। तब तक गाइस जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में अगले और किसी बेहतरीन और शानदार से एक्सपेरिमेंट के साथ।